व्हाट इज अ नेशन, व्हाट इज अ ग्रेट नेशन? बेटा देखो, नेशन जब हमने पाकिस्तान नहीं बनाया था, जब हमारे पास ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी नहीं थी, उस वक्त भी हम एक नेशन थे। टू नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान बनाया है। सो नेशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजी। जब कौमें अपने अकीदे, अपने बिलीफ, अपने यकीन के ऊपर एक इकट्ठी हो जाती हैं, तो बिकम अ नेशन। उनकी ज्योग्राफी छोटी बड़ी हो सकती है, मगर कौम मजहब से होती है, कौम अपने ईमान से होती है, कौम अपने फेथ आइडियोलॉजी से। दूसरा सवाल आपसे किया, व्हाट इज द ग्रेट नेशन? ग्रेट नेशन उसको कहते हैं कि जो अपनी आइडियोलॉजी पर, अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेती है जिसके लिए उसने वो मुल्क बनाया होता है। हम पाकिस्तानी एक नेशन थे, हमने ये मुल्क बनाया। हम ग्रेट नेशन नहीं बन सके इसलिए अपनी आइडियोलॉजी को भूल गए। अपनी आइडियोलॉजी को अगर हम रिवाइव कर लें, जब हमारी ज्योग्राफी, जब हमारी स्टेट और हमारी आइडियोलॉजी एक हो जाएगी, उस वक्त वी बिकम द ग्रेट नेशन। क्योंकि इस ज्योग्राफी से पहले, इस पाकिस्तान से पहले, इस हुकूमत से पहले भी हम एक नेशन थे जब हमने पाकिस्तान बनाया, लेकिन उसकी टोटैलिटी, उसकी तकमील उस वक्त होती है कि जब आइडियोलॉजी, नेशन और ज्योग्राफी एक हो जाए। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड लीडर? द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड लीडर, निगाह बुलंद, सुखन दिलनवाज, जहां अफसोस। ही हैज टू बी अ विजनरी मैन, ए थिंकर, अ फिलोसोफर, एन आइडियोलॉग। निगाह बुलंद का यही मतलब है ना। सुखन दिलनवाज का मतलब है कि उसकी बात जब कोई कौम सुने तो कौम कहे कि ये हमारे दिल की बात है, ये हमारे जो ये बातें कर रहे हैं ये तो हमारे दिल में भी, यानी कौम के जज्बात की नुमाइंदगी कर। और जहां को सोच, ही हैज टू बी अ स्पिरिचुअल मैन, एक रूहानी आदमी होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने ये कहा है कि एक आला तरीन लीडर, अहारी, गफारी, कुदूसी, जुबरो, ये एट्रीब्यूट, डिवाइन एट्रीब्यूट उसको दिए हैं। उन्होंने बात ये की है उसकी कि जो सबक फिर पढ़ेगा सदाकत का, शुजात का और अदालत का, ही हैज टू बी अ ब्रेव मैन, ही हैज टू बी एन ऑनरेबल मैन, ही हैज टू बी जस्ट मैन। ये सारे एट्रीब्यूट्स एक अजीम लीडरशिप के हैं। इसको इकबाल ने खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया, निगाह बुलंद, सुफन दिलनवाज और जंग वसोज वाली बात, ये कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन है एक आला तरीन का। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द करंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्राइसिस ऑफ मोरालिटी है, इखलाकियात, ऐत और रजाल। हमारे पास उस किरदार के, उस कैलिबर के, उस इखलाक के लोग नजर नहीं आते हैं क्यादत में, कि जिनको न खरीदा जा सके, न जिनको डराया जा सके, जो सुखन दिलनवाज हों, जो जाँप और सोज हों, और जो ऐसे अफराद हों कि जब उनको मुल्क और कौम और मिल्लत की जिम्मेदारी दी जाएगी तो खयानत नहीं करेंगे। या तो वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं अगर वो सिंसियर हैं, या कॉम्पिटेंट होते हैं तो वो इनसिंसियर लोग होते हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन ये है कि हमको ऐसे लोग चाहिए कि जो इखलास और खलूस के हवाले से भी मुल्क और जान माल इज्जत आबरू भी कुर्बान करने वाले हों, और इतने कॉम्पिटेंट भी हों कि अपने काम को जानते हों बहुत अच्छी तरीके से। एक सिंसियर आदमी चाहे काम ना भी जानता हो, अगर काम नहीं जानता और आप उसको किसी आला तरीन अहदे पर लगा देंगे, चाहे वो सिंसियर कितना हो, वो फिर भी बेड़ा गर्क मुल्क और कौम को कर देगा। तो हमारी यूनिवर्सिटीज में, पढ़ी लिखी इन्वायरमेंट में आप देखते हैं आला तरीन तालीम याफ्ता बच्चे होते हैं, लेकिन वहां भी अगर आप बीच में कोई मोबाइल फोन रखते हैं, बटवा रखते हैं, गायब हो जाता है। क्यों? इन बच्चों को तो पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे आला तरीन तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग मुल्क में, जिनको हुक्मरानी दी जाती है, हुकूमत दी जाती है, वही खयानत करते हैं मुल्क के साथ। क्यों? हालांकि अमीर होते हैं, मालदार होते हैं। इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाले आला तरीन तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है। जोहला ने, जाहिलों ने, मदरसे के तलबा ने इस मुल्क को नहीं बेड़ा कर रखा। हमारा क्राइसिस तालीम नहीं है, हमारा क्राइसिस ये नहीं है कि इंसान भूखा होता है तो चोरी करता है। जब इखलाकियात में सवाल आ जाए, जब हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाए, तो फिर इस मुल्क का सवाल आता है। हमारे तमाम जो कुछ वसाइल अल्लाह ने दिए जाया इसलिए हो जाते हैं कि इस मुल्क में खयानत है, चोरी है, झूठ है, हुक्मरानों के पास अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है। हमारी ये क्राइसिस है, तालीम हमारा क्राइसिस नहीं है। और माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे लोग हमारे पास हैं इस मुल्क को चलाने के लिए, लेकिन हमको वो ऐसे नहीं मिलते उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ। जब सरकारी माल उनको दिया जाता है तो ये पूछ लें कि ये सरकारी माल है तो मेरी जात पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये जाती माल है तो मेरी और मैं सरकार पे, इसको फर्क करो। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह जब फर्नीचर खरीदा गया गवर्नर जनरल हाउस के लिए, तो सवाल ये करते हैं कि ये फर्नीचर फातिमा जना के लिए आया है, इसके पैसे फातिमा जना से लो, ये मेरे जाती इस्तेमाल के लिए है, इसके पैसे मैं जाती जेब से दूंगा, और जो काम, जो फर्नीचर सरकारी इस्तेमाल के लिए, उसके पैसे पाकिस्तान बैतुल माल से लिए जाएंगे।
गवर्नर जनरल के लिए जब एक रुपए की जुराब आई तो कहते हैं कि गरीब वर्ग के हुक्मरान को जेब नहीं देता कि वो एक रुपए की जुराब पहने। जब कायदे आजम के एक भाई ने विजिटिंग कार्ड भेज दिया जिस पर लिखा हुआ था ब्रदर ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, इस बात पर जलाल में आ गए कि इसने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया, सिफारिश लगवाता है, कार्ड फाड़ के फेंक दिया। जब एक नर्स ने कहा उनसे कि सर मेरी पोस्टिंग करवा दीजिए तो बड़े प्यार से कहते हैं बेटी पोस्टिंग तो दायरे सेहत का काम है, गवर्नर जनरल तो पोस्टिंग नहीं करा। जब एक कायदे आजम ने अपने जहाज के लिए एक टेबल खरीदनी चाहिए छोटी सी लकड़ी की टेबल, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि गवर्नर जनरल इसके लिए डायरेक्ट हुक्म नहीं दे सकते, फाइनेंस मिनिस्ट्री हुक्म देगी। कायदे आजम ने माजरत की, अपना हुक्म वापस ले लिया और दरखास्त की फाइनेंस मिनिस्ट्री से ऑफिशियली कि मेरे जहाज के लिए, मेरे दफ्तर के लिए छोटी सी टेबल दे दी जाए। ये किरदार जो कयादत दिखाएगी वो ग्रेट लीडरशिप होगी। हमें पाकिस्तान को अगर 2021वीं सदी में आगे लेके जाना है, हमने उसको 1948 के पाकिस्तान में ले जाना होगा जहां पर कायदे आजम थे। Do you believe in change? And if yes, who will bring the change? बेटा, we will bring the change. You will bring the change. अगर जमाना जामिद हो जाए, ठहर जाए, ठहराव आ जाए, फिर तो हलाकत है, तबाही है। इंसान की जिंदगी तो तेज बहते पानी की तरह है, खड़ा हुआ पानी चौहड़ बन जाता है, मेंढक बन जाते हैं उसमें। तो चेंज तो लाजमन लाना है, जिंदगी नहीं ठहर सकती एक मुकाम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका आज का दिल कल वाले दिन से बेहतर ना हुआ तो वो तबाह हुआ। यानी हर दौर आपका, हर दिन आपका पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव भी, पाकिस्तानी कौम की हैसियत से भी और अपनी जाती फर्द की हैसियत से भी। हमें हर रोज अपने आप को रिफॉर्म करना है बेहतर से बेहतर के लिए, क्योंकि इसकी कोई मिराज नहीं है, कोई एक्सीलेंस नहीं है, कोई हाइट नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जिसकी कोई एंड नहीं है, खूब से खूब तर की तलाश में आप बेहतर होते जाते हो। ये चेंज उसी तरीके से आएगा। देखिए, चेंज के दो तरीके हैं, एक वायलेंट है, पूरे खुदकुश हमले करके, बम धमाके करके, सड़कों में जुलूस निकाल के अपराध कर, ये चेंज तखरीब होती है, फसाद होता है। एक चेंज होता है कि इंसान अपनी रूहानी और जहनी और फिक्री इंकलाब बर्पा करते, जैसे अलामा इकबाल ने तब्दीली इस कौम में लाई थी और उसके बाद पाकिस्तान बन गया था। पाकिस्तान हमने कोई तलवार के जोर पर तो नहीं बनाया, पाकिस्तान तो हमने एक रूहानी और जहनी इंकलाब के जरिए बनाया। तो चेंज के दो तरीके हैं। बेहतर तरीका यह है कि जब आला तरीन तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग जब उस चेंज को लेकर आते हैं तो फिक्री और रूहानी इंकलाब लाते हैं, जब जाहिर लोग इंकलाब लाते हैं तो खूनी इंकलाब लाते हैं। सर, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान? देखिए, जिस किस्म की पॉलिटिक्स इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। ये तो सिवाय खयानत के, सिवाय झूठ के और मक्कारी के कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में जिस किस्म की सियासत ने आगे आना है उसकी सियासत वो दीन के ताबे होगी। इट्स गोइंग टू बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मोरालिटी, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फेथ, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आइडियोलॉजी। और वो लोग पाकिस्तान के हुक्मरानों में से इंशाल्लाह आएंगे कि जो उस पाकिस्तान को अल्लाह के राजों में से एक राज और अल्लाह की दीवी इमानत में से एक इमानत समझते हैं, जो सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह एक फकीर बन के रहे कि गरीब मुल्क के हुक्मरानों को ये जेब नहीं देता है जो लाइफ स्टाइल इन लोगों ने आज रखा होगा। जब मुल्क का बादशाह एक मजदूर के बराबर तनख्वाह लेगा तो वो पाकिस्तान 1948 का पाकिस्तान होगा। कायदे आजम 1.5 रुपए तनख्वाह लेते थे, 1 रुपए 1.5 रुपए, क्यों? उनको तो स्वास्थ्य नहीं, वो तो लाखों रुपए तनख्वाह ले सकते थे, यही उन्होंने। तो पाकिस्तान की ये कयादत हम इसको बहुत दफा आजमा चुके हैं, इनसे फॉल्स उम्मीदें, झूठी उम्मीदें ना भरना, बेकार हो। सर, मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं।